संजू बाबा और भाईजान की जोड़ी काफी सुपरहिट रही है, बिल्कुल उनकी दोस्ती की तरह। और जब भी उनको हम साथ में देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही फिल्म का नाम आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म साजन। क्या कुछ इसका बजट था, क्या कुछ कमाई की थी इस फिल्म ने, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाइ। 30 अगस्त 1991 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लोगों को काफी पसंद आई थी, बहुत अच्छी कमाई की थी इस फिल्म ने। फिल्म की स्टोरी, फिल्म का गाना और साथ ही साथ संजू बाबा और भाईजान की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर मैं बात करूं इस फिल्म के बजट का, तो फिल्म का बजट 1.58 करोड़ था और फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ की कमाई हुई थी इस फिल्म की। और कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे 1991 में ये फिल्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही थी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से मानी जाती थी, लेकिन फिर भी सलमान खान को काफी कम फीस दिया गया था। कंपैरिजन अगर करें संजू बाबा और माधुरी दीक्षित के, काफी कम फीस दी गई थी। जैसे कि सलमान खान को 11 लाख दिए गए थे, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को 12-12 लाख दिया गया था। आगे मैं बात करना चाहूंगी कि ये फिल्म पूरी तरीके से कंप्लीट की गई थी 36 डेज में। और साथ ही साथ इस फिल्म के जो अंदर कैरेक्टर है अमन और सागर का, ये पहले ऑफर किया गया था, मतलब पहली चॉइस थी आमिर खान। जब उनको स्क्रिप्ट सुनाया गया था तो उनको स्क्रिप्ट काफी पसंद आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिल्म के कैरेक्टर हैं अमन और सागर, उनके साथ उनका कुछ मतलब कनेक्शन नहीं बन पाया, जिसके वजह से उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दी और ये फिल्म संजय दत्त और सलमान खान के पास जाती है। आगे मैं बात करना चाहूंगी फिल्म के अंदर जो माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर है, ये पहले करने वाली थी आयशा जुल्का, लेकिन जब शूटिंग जब स्टार्ट हो गई और पहले दिन में उनको हाई फीवर हो गया था, जिसके चलते वो फिल्म नहीं कर पाई और ये फिल्म जाता है, ये कैरेक्टर जाता है माधुरी दीक्षित के पास। जैसे कि इस फिल्म के अंदर एक गाना है, मेरा दिल तो कितना पागल है, और ये गाना अभी तक लोगों को पसंद आता है। कुमार सानू को इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी, बहुत सारी मतलब उसी शूटिंग के दौरान ही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित काफी क्लोज आए थे और बहुत सारे रूमर्स भी आए थे, बहुत सारी खबरें भी आई थी उनके अफेयर्स की। और लास्ट में बताना चाहूंगी, जैसे हम सब जानते हैं ये संजय दत्त और सलमान खान की पहली फिल्म थी और फिर उसके बाद उन्होंने किया था चल मेरे भाई, जो कि वो भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी। आगे मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को कैसी लगी थी ये फिल्म, कितनी बार देख चुके हैं, सेम चीज मैं पूछना चाहूंगी, कितनी बार देखा, कैसी लगती है जोड़ी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर जो आपको पसंद आई थी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए।